ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। नमस्कार, मैं हूं फिरोज हाशमी। मुमरा में लगातार वार को लेकर खबरें सामने आ रही हैं। कल लगभग 12:30 बजे करीब राजीव गांधी यूनियन हॉकर्स यानी मार्केट में दुकान आगे पीछे लगाने को लेकर एक दूसरे पर तू तू मैं हुआ और कुछ देर के लिए मामला शांत भी हुआ। लगभग 1 घंटे बाद फिर विवाद शुरू हुआ। दोनों एक दूसरे पर हमला कर दिए और हमला जो जिन लोगों ने किया है, एक का नाम जावेद शेख है और दूसरे का नाम सानू सैयद है। फिलहाल मुमरा पुलिस मामले की जांच कर रही है। मैं मोहम्मद सादिक शेख है। मैं जिसवंत को जावेद भाई को बचाने जा रहा था तो उस टाइम मेरे को भी पकड़ लिया, इतने गला पकड़ लिया, दो जन ने आके मेरा गला पकड़ लिया, नाखून मेरे अंदर गाड़ दिया और मार रहे थे मेरे को। किस वजह से हुआ था ये? मार्केट की वजह से हुआ था झगड़ा। पहले उन लोग हम लोग ने भगा दिए थे, उसके बाद में हम फिर आ जाता ना उन लोग ने झगड़ा, उन लोग की वजह से हुआ रिटर्न आके उन लोग ही झगड़ा। ये इमरान और मलिक के लड़के लोग थे जिसने मारा, वो शानू, उसका नाम शानू था, और तौफीक और सादिक भी साथ में थे और उसके साथ 8-10 लड़के और थे, उन लोग का नाम नहीं मालूम है। ये जगह के लिए हफ्ता वसूली हम लोग लगाएंगे। ये वो कितना बार हुआ आपके पास? 3। पुलिस में कंप्लेंट की है? हाँ, कंप्लेंट की है अभी, अभी इधर से जाएंगे। 30,000 रुपये माल लेने जा रहा था मैं मार्केट, वो भी लोग ने लोग के पास ही है। कहाँ रखे थे पैसा आपने? पैसे जेब में ही था मेरे। अच्छा, तो मैं लड़ाई के दरमियान? हाँ। गिरा या निकाले किसी ने? अब वो लोग नहीं, लोग ही सब थे इधर ही, वार मारा होगा तो उसके हाथ में आया होगा। कितना था? 30,000 रुपये था और छुट्टा तो ऊपर था 100। क्या नाम आपका? जावेद इकबाल खान। आखिर इसकी सच्चाई क्या है? दूसरी खबर, मुमरा कौसा इलाके में खलील मेंशन बिल्डिंग के नीचे एक 19 वर्षीय राहिल शकील शेख जो कि रीदा रसीद के कार्यकर्ता है, उस पर हमला एक अज्ञात युवक ने मुंह पर रुमाल बांधकर सामने आया और ब्लेड से पीठ पर वार कर दिया। मामला 7:30 बजे की है। वार कर फौरन फरार हो गया राहिल शेख को 16 टाके आई हैं। फिलहाल मुमरा पुलिस ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया है और इस पर जांच कर रही है। आखिर वो कौन लोग हैं जिसने रुमाल बांधकर एक 19 वर्षीय लड़के को जो है पीठ पर वार कर दिया है, और इसकी जांच कर रही है। आखिर कौन है जो मुंह पर रुमाल बांधकर ब्लेड से वार किया है और फरार हो गया है? और तीसरी खबर मुमरा के अमृत नगर साहिल होटल के पास की है। फिरोज डीजे नामक व्यक्ति जो हमेशा नशे में धुत रहता है, वो साहिल होटल में आज शाम 7 बजे के करीब चॉपर लेकर डराने गया था, जिसका सीसीटीवी फुटेज में भी साफ साफ दिखाई दे रहा है। तस्वीर देखिए किस तरह से होटल में धांधली कर रहा है। सिर्फ धांधली ही नहीं बल्कि चॉपर लेकर झड़प करते हुए दिखाई दे रहा है। पिछले 2 दिन से फिरोज डीजे सलीम खत्री को ढूंढ रहा था जान से मारने के लिए। इस पूरे मामले में मुन्ना साहिल और सलीम खत्री ने क्या कहा है, सुनिए। मैं असर की नमाज को जा रहा था नशेमंद मस्जिद में, तो फिरोज डीजे वो नशेड़ी है, मतलब नशा 24 घंटा नशे में रहता है, तो मेरे को पूछ रहा था सलीम खत्री किधर है। मैं सलीम खत्री को 2 दिन से ढूंढ रहा, उसका मर्डर करने गया, मेरे को क्या मालूम तू मेरे को क्यों बोल रहा है। और मैंने वो तो उसने क्या किया तेरा, बोले यहाँ दुकान वो बनाएगा ये करेगा, तो मतलब गोसावी साहब और सैयद अली आया था और वो लोग ने आके उसको मार्किंग किया है, और मार्किंग किया तो क्या हो गया, मैंने बोला हाँ, और तू क्या बात कर रहा है, तू उसका मर्डर करेगा ये करेगा, तो इतने में मेरे से तू तू मैं, तो उसने वस्त्रा निकाला तो उसका ये इससे मर्डर वार करूँगा, तो TMC के कैमरे के अंदर है उसका CCTV। फिर बाद में मैं नमाज को चले गया, नमाज के आने के बाद वो गाली गलौज जिसको बहुत कर रहा था, तो मैंने बोला मंजर एक कैब है इसको समझा चूत, तो फिर वो मेरे ऊपर आने लगा, मेरे ऊपर आने लगा, तो चौपर ऊपर घुमा रहा है, तो चौपर घुमा रहा है, मैं उसका मर्डर कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो फिर मैं वलतकर साहब को फ़ोन किया था, वलतकर साहब ने क्या बोले, मुंबई भाई पुलिस चौकी में आ जाओ, तो पुलिस चौकी में हम लोग आए, पुलिस चौकी में आए तो होटल के सामने चौपर लेके पूरा होटल के अंदर धांधल किया उसने। कितने बजे की घटना है ये? 5:45 की घटना है। मुमरा पुलिस ने जब आपको अड़कर साहब ने बुलाया तो इन्होंने क्या मतलब डायरेक्ट क्राइम की गाड़ी भेजे, DPRL को भेजे,
तो वो वहाँ मिला नहीं, तो उसके घर पे भी गए वो मिला नहीं, और 24 घंटा नशे में रहता है। और मेरे से ज़्यादा इसकी जान को खतरा है सलीम खत्री की, और सलीम खत्री को क्यों ढूंढ रहा है मेरे को नहीं मालूम। हाँ, और हम लोग को भी बोला अभी मैं तुम लोग का भी मैं नशे में किसका भी कुछ कर दूँगा, तो अभी वो क्या करेगा तो अभी पुलिस उसको देखेंगी। भाई मुझे तो कुछ पता नहीं है, मैं तो असर की नमाज़ पढ़ के निकला तो मुन्ना भाई का मेरे को फ़ोन आया, मैं मुमरा में था। मुन्ना भाई ने बोले कि भाई फिरोज डीजे जो है वो तेरे को ढूंढ रहा है, जान से मारने वाला है, और उसकी तेरी वजह से मेरी तुतू मैं हो गई तेरी दुकान की वजह से। तो मैं बोला मुन्ना भाई को आप कहाँ है, तो मैं बोला पुलिस चौकी के अंदर हूँ। तो मैं बोला मुन्ना भाई मैं आ रहा हूँ पुलिस चौकी में। क्या वजह है कि आपको ढूंढ रहा है? भाई ना जब मेरी वहाँ नशे मन में साहिल होटल के बाजू में जिधर वो अभी धंधा लगा रहा है वहाँ मेरी दुकान थी, आज 35 साल पुरानी अपनी दुकान है वहाँ पे। म्यूनसिपालिटी ने रोड वाइंडिंग की वजह से 3 साल पहले उसको तोड़ दी और वहाँ रोड बना दी। मैं इतने दिन से म्यूनसिपालिटी के आगे भागम भाग मेरी 3 साल से चालू थी, या मेरे को अल्टरेशन अकोमोडेशन दो या तो फिर मेरे को वहाँ जगह बना ले दो। तो 14 अगस्त को गोसावी साहब सैयद अली भाई साहब उन लोग आए और उन लोग ने मेरे को मार्किंग दिए उधर कि आप उधर दुकान बनाओ, और दुकान बनाओ, और मैंने वहाँ काम चालू करने के लिए ईंट गिराया और मैं आज कल में काम चालू ही करने वाला था। तो जब मैं पुलिस चौकी में आया तो मुन्ना भाई ने बताया कि वो फिरोज डीजे जो है वो शाहरुख जो मुन्ना भाई के जो भांजे है उनको भी मिला था कल, और उसको बोला था कि मैं सलीम का मर्डर कर दूंगा, 302 कर दूंगा, और फुल नशे के अंदर था, और उसको बोला मैं 302 कर दूंगा इसका सलीम खत्री का। तो शाहरुख भाई जो है मेरे को पहचानते नहीं थे, उन्होंने बोले पता नहीं कौन सलीम खत्री है, मुन्ना भाई मुझे अच्छी तरीके से जानते। फिर आज जब मुन्ना भाई मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जा रहे थे तब उनको बोलता कि किधर है सलीम खत्री, बोले तू बहुत सपोर्ट कर रहा है और उनसे तू तू मैं हो। तब मुझे मालूम पड़ा कि मतलब मुझे 302 करने के चक्कर में, मतलब मेरा मर्डर करने के चक्कर में है वो, और मैंने तो ना मेरा उससे 1 रुपये का लेना देना है, ना मैंने आज तक का कभी उससे कुछ बात किया, ना कुछ से 1 रुपया भाड़ा लिया, ना मैंने कभी उसकी वो बैठता उधर जाके 1 रुपये का मैंने सीख पराठा उससे कभी खाया। फिर क्यों आपको ढूंढ रहा है वो? मुझे पता नहीं, अल्लाह ही बेहतर जाने। मतलब मैं वहाँ दुकान बना रहा हूँ अभी, मेरी दुकान जो म्यूनसिपालिटी ने मुझे परमिशन दी है दुकान बनाने की, और वो सोच रहा है कि अभी मेरा धंधा वहाँ से उठ जाएगा, मेरी रोजी रोजी उठ जाएगी। उसकी क्या धंधा है? वो सीख पराठे का धंधा लगाते हैं वहाँ पे। तो वो उधर जिधर मेरी दुकान टूटी हुई है नशेमन कॉलोनी में साहिल होटल के बाजू में। अच्छा। अभी मेरी जान को खतरा है तो मैं प्रशासन से और पुलिस से मैं मदद मांगता हूँ कि मतलब मेरी मदद करे और मेरे को प्रोटेक्शन दे। और वहाँ जो वो धंधा लगा रहा है मुझे वहाँ दुकान बनाने के लिए म्यूनसिपालिटी ने परमिशन दी है, तो पुलिस मतलब मेरे को सहायता करे, मेरी मदद करे। आपकी जो जगह है उसी जगह पर, उसी जगह पर दुकान चला रहा है। अब दुकान टूट गई थी वहाँ तो बैठा हुआ था अभी, अब मेरी दुकान जब म्यूनसिपालिटी ने परमिशन दी है तो मुझे बनाना चाहिए और मेरी रोजी रोटी मुझे चालू करना है वहाँ अपनी। आपने सुना, लगातार ये तीसरा मामला है। पहला बार राजीव गांधी हॉकर्स यूनियन में दुकान लगाने को लेकर जावेद शेख और सानू सैयद का वारदात सामने आया, और दूसरी वार की घटना बीजेपी के रीदा रशीद के कार्यकर्ता पर हमला किया यानी वार किया, और तीसरी घटना साहिल होटल की है जो हम आपको दिखाए हैं। और इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहे प्रहार टाइम्स।